क्या आपको लौकी खाना पसंद है या आपको लौकी खाना नहीं पसंद है? अगर आपको लौकी खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है, और अगर नहीं भी पसंद है तो भी ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं लेकर आई हूँ लौकी का इतना टेस्टी और हेल्दी पराठा जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, और जिन्हें लौकी नहीं पसंद है वो भी बड़े से चाव से खाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण, झटपट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लौकी। यहाँ पे मैंने बड़ी लौकी लिया है, अगर आपके पास छोटी लौकी है तो आप उसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने लौकी को आधे पीस में काट लिया है, आधा हम अभी इस्तेमाल करेंगे, बाकी का आधा बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से छील लेंगे। ध्यान रखें, इस रेसिपी के लिए लौकी मुलायम और ताजी लें, क्योंकि जितना ताज़ा लौकी होगा उतना ही इसका बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए, हमने लौकी को अच्छे से छील लिया है और इसे मैंने पानी से धो लिया है, और अब हम इसे दो भागों में काट लेंगे जिससे ये कद्दूकस करने में आसानी होगा। तो अब हमें चाहिए ग्रेटर, तो इसका जो बड़ा वाला हिस्सा है हम उससे इसे कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह। तो इसी तरह हम सारे लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए, हमने लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। लौकी में होता है 96% तक पानी, तो हम क्या करेंगे, इसके पानी को अच्छे से निचोड़ देंगे जिससे जब हम पराठा बनाएंगे ना तो वो फटेंगे नहीं। लेकिन इस काम को करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें, और उसके बाद इसे अच्छे से निचोड़ लें। आप चाहें तो कॉटन का पतला कपड़ा भी ले सकते हैं इसे निचोड़ने के लिए। और इसका जो पानी है ना उसे हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन और लवण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक से ये भरपूर होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सेहतमंद है। लौकी में उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो भूख को कम करता है, तो अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो इसे अपने रेगुलर डाइट में जरूर शामिल करें। तो चलिए, हमने लौकी को अच्छे से निचोड़ लिया है, और इसका जो पानी है ना इसका इस्तेमाल हम आटा गूंदने में करेंगे, जिससे जो हमारा पराठा है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो अब हम एक बर्तन में लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3 कप बेसन। इससे जो हमारे पराठे है ना वो बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनेंगे और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, इसी के साथ इसमें 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, इससे जो हमारा पराठा है ना बहुत ही खस्ता बनेगा। तो चलिए, हमने आटे को अच्छे से मिला लिया है, और अब हम इसे लौकी का जो पानी है ना उससे इसे गूंथ लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें डालते जाएंगे और आटा को गूंथ लेंगे। तो हमें यहाँ पे आटा एकदम सॉफ्ट लगाना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो लौकी का पानी इसमें कम पड़ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सादा पानी ऐड कर देंगे, और इसे हम एकदम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना उससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाएंगे, क्योंकि जितना सॉफ्ट हमारा आटा रहेगा ना उतना बढ़िया हमारा पराठे बनेंगे। अक्सर जब भी हम आलू गोभी या मूली के पराठे बनाते हैं तो पराठा फटने लगता है बेलने में, तो इसके दो ही कारण होते हैं, या तो स्टफिंग गीला होता है या तो फिर हमारा आटा टाइट होता है। तो ध्यान रखें इस बात का, आटा अगर सॉफ्ट होगा तो आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे। तो चलिए, हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे जिससे जो हमारा आटा है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और पराठे जो बनेंगे ना वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो चलिए, अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम लौकी का बहुत ही चटपटेदार स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च। आप चाहें तो इसे पीस के भी डाल सकते हैं इसमें। इसी के साथ हम इसमें बारीक कटे हुए हरी धनिया डालेंगे। 1 मीडियम आकार का प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है उसे भी इसमें डाल देंगे।
अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। इससे जो पराठे का कलर है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारे चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि अगर अभी हम इसमें नमक डाल देंगे तो जो स्टफिंग है वो पानी छोड़ देगा। तो हम नमक जब हम पराठा बनाएंगे उसके पहले हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा क्रिस्पी और करारा पराठा। तो अब हम स्टफिंग में नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे नमक डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा स्टफिंग पानी छोड़ने लगेगा। और अगर मान लीजिए गलती से आपका स्टफिंग गीला हो गया है तो फिर क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है जिसे मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट आटा लगा है। और अब हम इससे एक बड़ा लोई लेंगे क्योंकि जो पराठा होता है ना वो थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। तो जो हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और बीच में थोड़ा सा गहरा कर लेंगे कटोरी जैसा। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। उसके पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 चम्मच इसमें स्टफिंग डाल देंगे। अब अगर मान लीजिए आपका स्टफिंग गीला हो गया है तो क्या करेंगे, इसके 2 तरीके हैं इसे सही करने का। या तो स्टफिंग में आप थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए जिससे जो बेसन है ना वो मॉइस्चर को सोख लेता है और हमारे पराठे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। या तो फिर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे अच्छे से निचोड़ लीजिए और इसमें थोड़ा सा मसाला और ऐड कर दीजिए जो हमने डाला था, और इसका जो पानी है उसे आप आटा गूंदिए और उससे पराठे बनाइए या पूरी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए हमने स्टफिंग अच्छे से भर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरी धनिया लगाएंगे और इसे हम सूखा आटा लगा के रोटी जैसा बेल लेंगे। और ये देखिए हमारा पराठा एकदम परफेक्ट बेल चुका है। तो चलिए अब हम इसे गर्म तवे में सेक लेंगे। यहाँ मैंने तवा को पहले से ही गर्म कर लिया है। अब हम इसमें पराठे को डाल देंगे और इसे अच्छे से सिकने देंगे। जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से सिकने देंगे। और अब इसमें घी लगाइए, तेल लगाइए या मक्खन लगाइए, जो भी आप पसंद करते हैं उसे आप इसमें लगा सकते हैं। और इसे अच्छा सुनहरा होने तक दोनों साइड से सेक लीजिए। आलू गोभी मूली का पराठा तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, एक बार आप इस तरह से लौकी का पराठा बनाकर खाइए, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया हमारा पराठा सिक गया है। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी का पराठा भी हम इसी तरह सेक लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मक्खन, अगर आप पसंद करते हो तो इसमें डालिए और इसे अपनी मनपसंद चटनी या दही के साथ सर्व करिए। ये इतना टेस्टी बनता है ना कि आप इसे 2 की जगह 4 खा जाएंगे। और जिन्हें लौकी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है वो तो इसे मांग मांग कर खाएंगे। आप चाहें तो इसे बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हैं, उन्हें भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्टफिंग पूरा अंदर तक चला गया है और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो अगर आप किसी को देंगे ना खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये लौकी का बना हुआ है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, देखने के लिए धन्यवाद।